अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू अनदर व्लॉग। तो यार आज जो है ना ईद का दूसरा दिन है और कल तक तो कुछ खास था नहीं। कल का दिन तो पूरा बहुत ऐसे गुजरा घर के अंदर, बिल्कुल बेकार। और इस बार जो है ना इतनी कोई रौनक भी नहीं है हमारे यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ अभी। वरना पिछली बार तो जो है ना पूरे चौक पे से झूले लगे हुए होते थे इस तरफ, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है, बस एक दो झूले, वरना पूरा चौक भरा हुआ होता था और रश हो रहा होता था बच्चों का। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, पूरा दिन घर में गुजरा कल का भी। तो आज का सीन कुछ ऐसा, अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे ब्लैक एंड ब्राउन केक लेने। एक घर के लिए केक आएगा और एक आएगा नानी में वालों के लिए। तो बस अभी है ना चलते हैं, पहले केक लेके आते हैं, फिर आके देखते हैं घर पर क्या अभी सीन चाहिए। तो पूरा बिखरा पड़ा है, सफाई होगी अभी, तो बस अभी चलते हैं केक लेके आते हैं पहले। तो यार आज जैसा कि आपको पता है ईद का दूसरा दिन है और आज जुम्मे का भी दिन है, तो इसलिए आप लोग देख सकते हो कितना सन्नाटा हो रहा है रोडों पे। और बड़ा सुकून वाला माहौल है आज का, सन्नाटा और धूप। आज धूप बहुत तेज़ है, बस असल में बस धूप का मसला है, बाकी और लोग है क्योंकि आप कैमरे में ज़्यादा विजिबल हो ना हो, लेकिन मैं बाहर निकला था ना तो धूप लग भी रही थी और हो भी रही थी, वो गर्मी भी तेज़ हो रही थी, चुभन वाली गर्मी, बिल्कुल शदीद गर्मी। ईद का दूसरा दिन था और गर्मी ऐसी हो रही थी कि बगैर ऐसी के दिल भी नहीं चाह रहा था कि बैठो कमरे में भी, बाहर भी जाने का दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर हम चले गए थे केक लेने, तो जाना तो ज़रूरी था क्योंकि हर साल हम नानी में वालों को केक देते हैं, वो लोग भी भिजवाते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा था फर्स्ट वाले व्लॉग में, मामू आते हैं सुबह के टाइम, बड़ी ईद को भी छोटी ईद को भी, जैसे ईदालफ़ितर है तो यहाँ ईदालफ़ितर में भी आते हैं और ईदालज़ा में भी आते हैं मामू केक देने। तो ये हम लेके आ गए थे केक, और उन्होंने साथ में ये भी केक के ऊपर लगाने का ईद मुबारक वाला ये भी दिया था। और आज जो है ना मैंने बनाई थी कढ़ाई, तो वैसे तो ईद का फर्स्ट डे बनती है, लेकिन इस बार मैंने जो है ना सेकंड डे बनाई, क्योंकि फर्स्ट डे को तो पापा थे ऑफिस और सेकंड डे घर में ही थे। तो मैंने भुजिया भी बनाई थी ये भिंडी की, क्योंकि अम्मा का दिल चाह रहा था, और बाकी हमारे लिए कढ़ाई थी। और ये शीरमाल ताफ्तान और ये नान लेके आए थे, फिर उसके बाद मैं अपनी खाला के घर चला गया था। पापा ने बोला था कि इनके घर पे भी देखे आओ कढ़ाई, तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे इनके प्लाजा में। और फिर वापस हम घर जा रहे थे, तो फिर मैंने यहाँ की वीडियो बनाई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पुराने पुराने घर ही पहाड़ के ऊपर ही बने हुए हैं ना, तो मैंने सोचा चलो उसकी वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा यूनिक सही है। और वैसे इस बार ज़्यादा झूले भी नहीं लगे चौक में, आप लोग देख सकते हो वैसे थोड़े बहुत लगे हुए हैं, तो बच्चों का यहीं पर रश है गोला गंडा वाले के स्टॉल पर। तो बस आज इतना ही था, और फिर हम निकल गए थे फिर रात को बाहर, दादी घर भी गए थे हम। आज ईद का दूसरा दिन है तो हम आज दादी घर गए थे, फर्स्ट डे को तो हम कहीं पे भी नहीं गए थे, अभी आज सबसे पहले दादी घर ही गए। फिर उसके बाद जब हम आ रहे थे तो ये पेट्रोल पंप पे ये पूरा सजा हुआ है, इन्होंने लाइटिंग लगाई हुई है ना। यहाँ से हम डायरेक्ट फिर नानी घर गए थे, क्योंकि मम्मा थी नानी घर पर, हमने मम्मा को नानी घर पर छोड़ दिया था, तो मम्मा नानी घर पर बैठी हुई थी और वहाँ पर मेहमान भी आए हुए थे। और यहाँ पे ज़रा रौनक हो गई है रात के टाइम से, दोपहर में तो पूरा सन्नाटा हो रहा था रोडों पे, लेकिन रात के टाइम रौनक है। और फिर हम नानी घर पे गए हुए थे, तो मेरी मम्मा की चाची हैं वो ये बास्केट लेके आई थी नानी में वालों के लिए, जिसमें सारी चीज़ें लगी हुई और कबाब जिसकी मिठाई का पैकेट था, तो ये पूरी एक बास्केट लेके आई थी। फिर उसके बाद आज जो है ना ईद का सेकेंड डे था ना, तो हमें जाना था खाला के घर, तो हम बस आज के दिन ही हम निकले हैं बाहर। और फिर हम खाला के घर गए हुए थे, तो यहाँ पर उन्होंने केक मंगवा लिया, केक था और गोलगप्पे मंगवाए थे इन्होंने और कचौरियाँ मंगवाई थी। तो बस आज के लिए इतने इसी के साथ अच्छे व्लॉग करने हैं, अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम सबको अपने गाँव में हाजिर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।